कंपनी में मैं लगा था स्टार्टिंग में, रेट गेन करके कंपनी थी नोएडा में, तो मैं वहां पे डेटाबेस इंजीनियर लगा, DBA करके होता है, डेटाबेस IT में होता है, पता तुझे? सुना पता तो तो गूगल होगा कर रहा हूँ यार। डेटाबेस। डेटाबेस वर्ड तो सुना ही ऑब्वियसली। हाँ, तो डेटाबेस वर्ड में क्या होता है कि वो एक IT की प्रोफाइल होती है, तो मैं वहां डेटाबेस इंजीनियर लग गया और मुझे पता भी नहीं था। अच्छा ठीक है, वो मुझे कहता है एक दिन मेरा बॉस आके कि भाई साहब ये होटल की चेन का काम था, तो उसमें क्या होता था डेटा एंट्री में वो करना होता था, क्वेरी चला के, क्वेरी होती थी एक, मुझे क्या घंटा पता मुझसे, उसने बोला ये 1500 एंट्रीज हैं, ये टेबल में एंट्री कर दो और फिर उसके बाद लंच पे चले जाना। मैं बेंच लग गया, मैं सुबह से एंट्री करने में लगा, शाम हो गई 8 बजे वो आया, कह रहा सुबह तुमने वो डेटा एंट्री करने के लिए दी थी। मैंने कहा मुझसे ज्यादा बकवास मत कर, समझा, पूरा दिन लग गया, अभी 600 एंट्रियां हुई हैं सिर्फ, हैं, और ऊपर से अच्छा खाना भी खाया। मैंने कह रहा तुम एक एक करके कर रहे हो क्या? मैंने कहा तो आया और कहता है कि उसने ना एक क्वेरी चलाई इंसर्ट एस्ट्रिक इनटू करके, और एस्ट्रिक का मतलब एक साथ 1500 चली जाती है। इसने इंसर्ट एस्ट्रिक करी, नाम लिखा, साड़ी अंदर चली गई, एंट्री हो गई 1 मिनट में। तो मैं ना बड़ा शर्मसार हो गया। ये तो आपने बताया नहीं मुझे, कह रहा तो तुम डेटाबेस इंजीनियर हो, तो तुम तो मैंने कहा ये भी नहीं बताया आपने। जॉब नहीं, कहता है जॉब मत छोड़ो तुम, ये फील्ड छोड़ दो। छोड़ फिर मैं रात को घर आया, मैं बड़ा रुआसा था, बहुत पुरानी बात है, 2012 की बात है, 13 की बात है। मम्मी को फोन किया मैंने, मैंने कहा मम्मी मेरे को ना आज बड़ी जलीलियत फील हुई है, मुझे ना कुछ आता नहीं है। तो मेरी माँ ने बोला कि कोचिंग ज्वाइन कर ले IT की, कोई ऐसे डेटाबेस की, प्रोग्रामिंग की। मैंने कहा ठीक है, ये आइडिया अच्छा है, मैं 2500 रुपये दे के आया कोचिंग के, अगले दिन गुड़गांव में। तो बेसिक अब यही है कि कोचिंग ज्वाइन करो तो सबसे पहले बेसिक पढ़ाते हैं। तो मुझसे वो कहता है कि भाई साहब आप पढ़ाई शुरू करो, सबसे पहले प्रोग्राम बनाओ एडिशन का, C++ एक लैंग्वेज होती है। सी मैंने कहा ठीक है, प्लस हाँ, प्लस मुझे आता तो था नहीं, मेरे को बस उसमें पहली लाइन आती, वो कॉमन होती है हर प्रोग्राम में, हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम डॉट एच, वो लिखो, वो कॉमन होती है हर प्रोग्राम में। वो मैं लिखा, फिर बगल में एक बच्चा बैठा था, वो 6th क्लास का, नहीं 5th क्लास का था। मैंने कहा हेलो बेटा, कह रहा हेलो भैया कैसे हो। मैंने कहा क्या कर रहे हो आप? कह रहा भैया मैं तो एडिशन का प्रोग्राम बना रहा हूँ। मैंने कहा मैंने बीटेक कर रखी है, मैं भी वही बना रहा हूँ, इसने 5th क्लास में ये भी वही बना रहा है, और ये बना ले रहा है और मैं बना नहीं पा रहा।